ये जो 2 करोड़ 6 लाख रुपए जो आ रहे हैं, एक तरह से इसको कहें लूट, मैंने, और सरकारी रूप से लूट को बढ़ावा देना, लूट में छूट, अपराध को बढ़ा रहे हैं, उस अलग है जो आंकड़े हम बताए। और इस तरह से अभी सिर्फ इलेक्शन समय कमीशन से रिपोर्ट आया है, यही बात आया है, क्या आया है ये भी नहीं पता है, और उस पे इस तरह का अफरा तफरी होना, पूरे राज्य में एक इस तरह का माहौल बनाना, अराजक माहौल बनाना, ये सरकारी तौर पे इस तरह के माहौल को प्रोत्साहित करना और लूट में छूट देना ही कह सकते हैं। एक तो हर कोई, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, हर व्यक्ति। अगर यहाँ की सरकार दूसरे के घर में सुरक्षित महसूस कर रहा है तो समझे कि कैसा है, आपका घर ही खतरा है, मतलब आपको अपने लोगों से डर है, तो आपके अपने लोगों से किन विषय पर डर है ये आपने तय करें, बताएं, स्पष्ट करें जनता के बीच, घर में क्यों डर है भाई, सरकार आपकी, लॉ एंड ऑर्डर आपका, व्यवस्था आपका, इसका मतलब ये लगता है कि आपका विश्वास टूटा है। दूसरा सवाल है कि जिस प्रकार से जो है सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि खरीद बिक्री का जो है बढ़ावा आप इसके साथ गठबंधन में हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जो है झारखंड में विधायकों की खरीद बिक्री के मामले सामने आते हैं, इस पर क्या कहना है? कुछ मामले को लेकर के पेपर में छपा है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जो भी इस बात सामने आएगी सबको पता लगेगा कौन बिक रहा है और कौन खरीद रहा है। राज्यपाल दिल्ली गए हैं, दिल्ली गए हैं तो इस पर क्या है? मतलब कुछ ऐसा लगता है कि आपको क्या है कि दिल्ली मनी काउंटर हो रहा है हेमंत सोरेन की विधायकी का बाबूलाल जी की विधायकी पर? देखिए, राज्यपाल का दिल्ली जाना चर्चा का विषय तो हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि राज्यपाल निश्चित तौर पर केंद्र के साथ हमेशा ई में रहते हैं, रूटीन कार्य में गए होंगे। मैंने हम काउंटर पूछे, बाबूलाल जी की विधायकी और हेमंत सोरेन की विधायकी, क्या दोनों पीछे काउंटर चल रहा है? बाबूलाल के विधायकी का विधानसभा में चल रहा है, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष उसमें सुन रहे हैं, इधर का इलेक्शन कमीशन का मामला है, अब इसको इस तरह से हम ही नहीं कह सकते, सब कोई न्याय के प्रक्रिया में है, और इस न्यायिक प्रक्रिया को हवा बनाना हमको लगता है उसको बाधित करने का। लास्ट सवाल है सर, एक और है कि दुमका में जो अंकिता के मामले जो सामने आए हैं, सरकार जो है बैठ पर फुट पर है, लेकिन जो लगातार जो है महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सरकार के 2.5 साल बीत गए, 2.5 साल में महिला आयोग का गठन नहीं किया गया है, क्या कहेंगे आप? ये दुर्भाग्य है कि अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं होना, जहां महिलाओं का पूजा होता है, महिलाओं का हत्या होना, उनसे एसिड छिड़कना, उनको प्रताड़ित करना, ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है, वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग नहीं है सर 2.5 साल से, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो कह रहे कि महिलाओं के प्रति सरकार ही गंभीर नहीं है तो आयोग क्यों बनाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पलामू गए हैं, जहां विस्थापित कर दिए गए थे कुछ पिछड़े वर्ग के लोग, उसको क्या कहेंगे सर? पलामू में एक मैंने पूरे पूर, मैंने पूरे प्रदेश पे कहा कि अराजक माहौल है, एक दलितों को गांव से भगाया जा रहा है, महिलाओं की हत्याएं की जा रही है, कहीं एसिड छिड़का जा रहा है, मैंने अपराधी बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं। एक बेखौफ की स्थिति तभी होता है जबकि व्यवस्था पे पकड़ कम होता है। गृह मंत्रालय किनके पास है? हेमंत सोरेन जी के पास है, मुख्यमंत्री के पास, इनका पकड़ ढीला, अपराधी बेलगाम, और जहां तहां घटनाएं घट रही। सभी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दुमका गया, आज सुबह गया, निश्चित तौर पर हमारे वहां के प्रतिनिधि गए हैं, पेपर में दिया है, पैसा भी। आजसू क्या करेगा आगे, इस तरह से विपक्षी का भूमिका तो निभाना हो? तो हम लोग कहाँ सत्ता पक्ष में, अभी तो विपक्ष का ही भूमिका नहीं, सिर्फ मीडिया में या फिर सड़क पर उतरकर विधानसभा के अंदर आवाज उठाएंगे?
हम लोगों ने सड़क पे उतरा है इसका प्रमाण आपको लाठी डंडा हम लोगों को चला है, ऐसा नहीं है कि लाठी डंडा नहीं चला है, FIR भी हम लोगों पर हुआ है विधानसभा घेराव के दरमियान भी, मोराबादी मैदान में भी, और इन तमाम विषयों पर पार्टी पूरे गंभीर रूप से है और हम लोग सदन में हो सड़क में हो हर जगह पर इस बात को रखें। हम लोगों ने अभी पूरे प्रदेश के सभी प्रमंडलों में प्रमंडल स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं जिसमें तमाम जनमुद्दों को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक गोलबंदी और संघर्ष का ऐलान किया है। नहीं ये अलग था इसमें। सर, राज्य सरकार 5 सितंबर को बैठक रखेंगे क्या उसमें आंसू के विधायक शामिल होंगे? नहीं, विधानसभा सत्र है तो सत्र तो अलग है, कोई पार्टी नहीं बुलाया, विधानसभा सत्र है। सत्र के विषय के संदर्भ में हमने कहा कि किन विषयों को लेकर के बुलाया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।